खुश आमदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, आज पीएचडी का एक हंगामी इजलास बुलाया गया है फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी पे। बिल्कुल हम फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी के बाहर मौजूद है और यहाँ पे जो सीनियर लीडर्स है उनको यहाँ पे बुलाया गया है, जिसमें अभी जो है हसनैन मसूदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साउथ कश्मीर से, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को भी बुलाया गया है, और जो पीएचडी के स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद यूसुफ तारीगामी वो भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और बाकी जो पीएचडी के लीडरान है वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कुल मिला के आज पीएचडी का एक हंगामी इजलास बुलाया गया है श्रीनगर में। फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी के बाहर हम मौजूद है और यहाँ पे अभी जो कुछ लीडर्स है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और पीएचडी के इस अहम इजलास में वो शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर देख रहे हैं, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले जो है फारूक अब्दुल्ला भी बाहर निकले हैं, और अभी जो कुछ देर के बाद ही जो है ये मीटिंग जो है शुरू होने जा रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स के साथ साथ पीडीपी की जो मुखिया महबूबा मुफ्ती है वो भी यहाँ पे पहुंची है, और मोहम्मद यूसुफ तारीगम जो सीपीआईएम के जो लीडर है कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पे पहुंच सकते। कुल मिला के अभी पीएचडी का जो अहम इजलास है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते जो है अब उसके बाद शायद मीडिया से भी वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साउथ कश्मीर से है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे अब जो है अभी कुछ देर के बाद जो हंगामी इजलास है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते अब जो है यहाँ पे इंतजाम की बात करेंगे वो बिल्कुल है। ये इस पे क्या कुछ डिस्कस होगा, किन बातों पे डिस्कस होगा, उस पे टिप्पणी करना अभी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है कुछ लीडर्स पहुंचे हैं और कुछ लीडर्स का आना अभी बाकी है। 4 बजे के आसपास जो मीटिंग है वो शुरू होगी, जिसमें पीएचडी के खास मेंबरान है वो इसमें शमूलियत करेंगे। इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा वो जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।